गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एलडीसी के एग्ज़ाम के जीके के पार्ट के आंसर की। स्टूडेंट, कल हमने पहले वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के 10 प्रश्नों के आंसर कर लिए थे, आज हम नेक्स्ट आगे के 10 प्रश्नों को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? फर्स्ट ऑप्शन स्वास्थ्य, सेकेंड ऑप्शन शिक्षा, थर्ड ऑप्शन खेल, फोर्थ ऑप्शन वित्त। तो स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य। तो स्टूडेंट, आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो आयुष्मान भारत योजना का संबंध जो है वो स्वास्थ्य बीमा से है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा स्वास्थ्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं? फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर तेजेंद्र मोहन, सेकंड ऑप्शन श्री शरद कुमार, थर्ड ऑप्शन आलोक वर्मा, फोर्थ ऑप्शन के वी चौधरी। तो स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री शरद कुमार। तो स्टूडेंट, आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो शरद कुमार को सीबीएसई का आयुक्त बनाया गया है, शरद कुमार इससे पहले एनआईए के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा शरद कुमार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 63, गर अड़दा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन बारा, सेकंड ऑप्शन बूंदी, थर्ड ऑप्शन झालावाड़, फोर्थ ऑप्शन कोटा। तो स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बूंदी। स्टूडेंट, इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो झालजी का बराना और गरड़दा पेयजल परियोजना दोनों का जो संबंध है वो बूंदी से है, तो आपका इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो बूंदी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 64, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, सेकेंड ऑप्शन सेंट्रल स्पोर्ट्स अथॉरिटी, थर्ड ऑप्शन स्पोर्ट्स इंडिया, फोर्थ अथॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट्स इंडिया। तो डियर स्टूडेंट, आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो कि राज्यवर्धन राठौड़ ने जो कहा है कि इसे स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से जाना जाएगा, लास्ट लाइन में ये क्लियर कर रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल बी रिमेंड, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल बी रिमेंड फॉर नाउ इट विल बी नोन एज स्पोर्ट्स इंडिया, मतलब इसे अब आगे स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल हैं? फर्स्ट ऑप्शन तेजेंद्र खन्ना, सेकंड ऑप्शन अनिल बैजल, थर्ड ऑप्शन अरविंद केजरीवाल, फोर्थ ऑप्शन नजीब जंग। तो स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल बैजल। स्टूडेंट, इस रिपोर्ट से स्पष्ट है अनिल बैजल बने दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल, तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो अनिल बैजल होगा। अनिल बैजल ने नजीब जंग के स्थान पर इस पद को ग्रहण किया था, इससे पहले नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन जालौर, सेकंड ऑप्शन दौसा, थर्ड ऑप्शन ये सभी, फोर्थ ऑप्शन प्रतापगढ़। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर देखिए अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तो वैसे हमारे अकॉर्डिंग अगर आंकलन करें तो शायद सी ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। फिर भी वेट एंड वॉच, कुछ समय बाद हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में देश का 10% फेल्सपार भंडार है? फर्स्ट ऑप्शन 50, सेकंड ऑप्शन 100, थर्ड ऑप्शन 66, फोर्थ ऑप्शन 33। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो तो है 60%, मतलब राजस्थान में 60% फेल्सपार होता है भारत का, लेकिन यहाँ 60% कोई ऑप्शन है नहीं, तो शायद इन्होंने सी को सही माना है। तो अगर अकॉर्डिंग टू फोर चारों विकल्प देखें
तो सही जो आंसर होगा वो सी होगा, सी आंसर। तो स्टूडेंट इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो राजस्थान भारत का 60% फेल्स वर का उत्पादन करता है, तो सही जो आंसर होगा वो होगा 66%। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है। तो स्टूडेंट देखिए पहले नाम जो दिया हुआ है वो राजस्थान सरकार का दिया है और बाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का दिया है, तो राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो तो 26 है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो हिस्सेदारी है वो 74 है। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर बी भी है, लेकिन राजस्थान सरकार का नाम पहले लिखा है इसलिए 26 पहले आएगा और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नाम बाद में है तो 74 जो है वो बाद में आएगा। तो आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 26 74। स्टूडेंट आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो HPCL 74 और राज्य सरकार 26, लेकिन हमारे प्रश्न में पहले राजस्थान सरकार है तो इसलिए 26 और बाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम है तो इसलिए 74, तो हमारा आंसर होगा 26:74, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ब्यास परियोजना, सेकंड ऑप्शन है चंबल परियोजना, थर्ड ऑप्शन है सतपुड़ा परियोजना और फोर्थ ऑप्शन है माही परियोजना। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माही परियोजना। बाकी सारी परियोजनाएँ संयुक्त परियोजनाएँ हैं लेकिन माही परियोजना का 100% भाग राजस्थान का है। तो डियर स्टूडेंट व्यास परियोजना जो है वो राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, इसके अलावा चंबल विद्युत परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, इसी तरीके से जो सतपुड़ा ताप परियोजना है वो राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, तो एकमात्र ऐसी परियोजना बची माही लघु पतन बिजली परियोजना जो पूर्णतया राजस्थान की है, 100% भागीदारी राजस्थान की है। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो होगा वो होगा माही परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। फर्स्ट ऑप्शन कोटा तापीय पावर प्लांट, सेकंड ऑप्शन सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, थर्ड ऑप्शन धौलपुर गैस तापीय पावर प्लांट और फोर्थ ऑप्शन छबड़ा तापीय पावर प्लांट। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। तो स्टूडेंट इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि राजस्थान का जो पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो सूरतगढ़ है जो कि ठुकराना गांव श्रीगंगानगर में स्थित है। तो स्टूडेंट ये थे 9 सितंबर 2018 के LDC के एग्ज़ाम के GK के पार्ट के कुछ प्रश्न। डियर स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना न भूलें और साथ ही नीचे जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।